लकड़गंज परिसर के पुष्करण समाज भवन के सामने स्मॉल फैक्ट्री परिसर में सीढ़ियों से भरा ट्रक अज्ञात लोगों ने चुरा लिया है। चोरी गए ट्रक का सामान सहित माल की कीमत करीब 14,08,000 रुपए है। लकड़गंज परिसर के पुष्करण समाज भवन के सामने स्मॉल फैक्ट्री परिसर में सरियों से भरे ट्रक को अज्ञात लोगों ने चुरा लिया है। चोरी गए ट्रक और सामान सहित माल की कीमत करीब 14,00,000 रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार लकड़गंज परिसर निवासी दुर्गेश राजेश ठाकुर के मालिकी का 10 पहिया ट्रक क्रमांक CG4J5037 प्लॉट नंबर 128 नेताजी नगर निवासी फिरियादी संतोष रामदयाल पांडे ने ट्रक को लकड़गंज परिसर के पुष्करण समाज भवन के सामने स्मॉल फैक्ट्री एरिया परिसर में खड़ा किया था और नहाने के लिए घर गया। इस दौरान अज्ञात आरोपियों ने 10 पहिया ट्रक और उसमें लदी सरिया भी चुरा ली। ट्रक समेत चोरी गए माल की कीमत करीब 14,00,000 रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। काल सकाळच्या वेळेला फिरियादी पोलीस स्टेशनला येऊन त्यांनी सांगितलं की माझ्या ट्रकमध्ये असं असं सामान होतं स्मॉल फॅक्टरी एरियात, त्याचा तो ट्रक उभा होता, गाडी चाबी त्याच्याजवळ होती, पण गाडी ट्रक जो आहे तो जुना होता, त्याच्यामुळे तो कशाने उघडायचा, त्याच्यामुळे कोणीतरी अज्ञात इसमाने त्याला डुप्लिकेट चाबीचा वापर करून तो ट्रक घेऊन गेला। त्यात जवळपास 20 टन लोहा होता। ट्रकची किंमत 6-7 लाख रुपये आणि लोखंडाची किंमत 6-7 लाख रुपये। आम्ही नागपूर शहराच्या CCTVच्या माध्यमातून त्या पाठीमागे लागलेलो आहे। काही दिवसातच तो गुन्हा उघडकीस येण्याची शक्यता आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोब्रागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट NBC News के लिए।